हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग पैरेलल। ये कहानी एक पैरेलल यूनिवर्स की है, जहां पर वेनेसा नाम की एक लड़की जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच जाती है जहां से वो पैरेलल यूनिवर्स में सफर कर सकती है, मगर अब उसे किसी भी कीमत पर अपने दुनिया में वापस जाना है, जो बिल्कुल नामुमकिन लगता है। इस फिल्म की शुरुआत में हमें जंगल के अंदर एक घर दिखाया जाता है जहां वेनेसा अपने हस्बैंड एलेक्स के साथ रहती है। वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होती है क्योंकि उसने अपने बेटे को खो दिया था। उसको लगता है कि उसका बेटा उसकी गलती की वजह से मारा गया क्योंकि वो उस दिन गाड़ी चला रही थी। एक साल बाद एलेक्स बहुत हद तक रिकवर कर चुका होता है और वो वेनेसा को भी समझाता है कि अब उसको जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, मगर वेनेसा अपने जहन से इस वाक्य को निकाल नहीं पा रही होती है। एलेक्स का भाई भी वहां पर आता है और एलेक्स उसको बताता है कि वेनेसा अकेली हाइकिंग पर जाना चाहती है। उसका भाई कहता है कि ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि जंगल में कुछ वक्त पहले एक प्राइवेट कंपनी ने एक बहुत अजीब चीज एक्सपीरियंस की थी, जिसके बाद बहुत सारे लोग गायब हो गए थे। उस कंपनी ने जंगल को ब्लॉक कर दिया था और वो वहां से हमेशा के लिए चले गए थे। एलेक्स अपने भाई की बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि कुछ वक्त पहले उनके पिता भी इस तरह की बातें करते थे और लोग उसको पागल कहते थे। वेनेसा हाइकिंग के लिए तैयार होती है। उसके जाने से पहले एलेक्स उसको एक गन और एक वॉकी टॉकी देता है। वो कहता है कि अगर तुमको कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझको वॉकी टॉकी से इन्फॉर्म कर सकती हो। इसके बाद वेनेसा वहां से निकल जाती है। जब वो जंगल के अंदर चल रही होती है तो अचानक कोई उसके ऊपर गोली चलाता है। वेनेसा जल्दी से छुप जाती है और जब वो देखने की कोशिश करती है कि गोली किसने चलाई है, तो वो देखती है कि उसके सामने उसी का ही दूसरा रूप खड़ा है। उसको समझ नहीं आता कि ये हकीकत है या फिर उसका वहम। वो वापस अपने घर आती है लेकिन अपने हस्बैंड एलेक्स को वो कुछ नहीं बताती। वेनेसा घर आकर बहुत डरी होती है। एलेक्स उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर वेनेसा उसको कुछ भी नहीं बताती। वो उसे गुस्से से कहती है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन फिर भी एलेक्स बाहर अपने भाई के पास आता है और उसको कहता है कि एक साल पहले मैंने अपने बेटे को खो दिया है, लेकिन अब मैं अपनी बीवी को खोना नहीं चाहता हूँ। इतने में ही उसका भाई उसको अंदर ले जाता है और वहाँ पर वेनेसा भी आ जाती है। उसका भाई उन्हें अपने पिता की पुरानी बातें बताता है। इतने में उसका राइट हैंड कट जाता है और वो अंदर चला जाता है। आधी रात को वेनेसा देखती है कि एलेक्स का भाई किचन में पानी पी रहा है, लेकिन उसका लेफ्ट हैंड कटा हुआ है। वो बहुत हैरान होती है। जब वो पीछे देखती है तो फिर से उसका भाई होता है जिसका राइट हैंड कटा होता है। वेनेसा अपने रूम में चली जाती है और एलेक्स को कुछ भी नहीं बताती। अगली सुबह वेनेसा फिर उसी जगह पर वापस जाने का फैसला करती है जहाँ उसने अपने दूसरे रूप को देखा था। जब वो जंगल के बीच जाती है तो उसको महसूस होता है कि वो बार बार एक ही जगह पर वापस पहुंच रही है। हर दफा अलग रास्ते पे जाने के बावजूद भी वो वापस उसी जगह पर आ जाती है। इस वजह से वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब हो रहा है। जब वो घर वापस आती है तो अपने हस्बैंड एलेक्स को बताती है कि जंगल में कुछ गलत हो रहा है, जिसको सुनकर एलेक्स को उसकी बात पर गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें अपनी जहनी हालत को ठीक करना चाहिए। वो कहता है कि मैंने पहले ही अपने बेटे को मार दिया है, लेकिन वेनेसा कहती है कि तुमने नहीं, उसको मैंने मारा था, गाड़ी मैं चला रही थी। तभी एलेक्स का भाई आ जाता है। एलेक्स ये देखकर बहुत हैरान होता है कि उसका राइट हैंड नहीं बल्कि लेफ्ट हैंड इंजर्ड होता है। मगर वेनेसा को अब शक होता है कि वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में फंस गई है जहाँ के हालात बहुत खराब है, लेकिन वो एलेक्स को ज्यादा कुछ नहीं बताती क्योंकि वो जानती है कि एलेक्स उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। फिर वेनेसा एक बार फिर से जंगल की तरफ चली जाती है। वेनेसा समझ जाती है कि उसे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा, लेकिन वो जानती नहीं है कि कैसे वो वापस जा सकती है। तभी उसको एहसास होता है कि उसकी तरफ कोई आ रहा है। वो छुपकर अपनी गन तान लेती है और कहती है, यहाँ पर जो भी है सामने आ जाए। तभी एलेक्स उसके सामने आता है। एलेक्स कहता है कि मुझको पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मैं बहुत वक्त से तुम्हारी तरह अलग अलग दुनिया में भटक रहा हूँ। और फिर वो वेनेसा को बताता है कि किस तरह से हर एक अलग दुनिया में हमारा एक अलग रूप है, जिनकी जिंदगी और इवेंट्स हमारे इवेंट से थोड़े से अलग हैं, क्योंकि एलेक्स जिस दुनिया से आया था वहाँ भी इनके बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। एलेक्स वेनेसा से पूछता है कि मैं अपनी दुनिया में एक साइंटिस्ट हूँ, तुम्हारी दुनिया में मैं क्या करता हूँ? जिस पर वो बताती है कि तुम उस दुनिया में एक टीचर हो और दिल के बहुत अच्छे इंसान हो। क्या तुमने किसी दुनिया में हमारे बेटे को जिंदा देखा है? वो कहता है कि नहीं, मैंने बहुत सारी दुनिया में ट्रैवल किया लेकिन हमारा बेटा कहीं भी जिंदा नहीं था। कुछ ऐसी भी दुनिया है जहाँ पर वो पैदा ही नहीं हुआ।
वो कहती है कि शायद तुमने हमारे बेटे को अच्छे से नहीं ढूंढा। एलेक्स कहता है कि मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे फिशिंग वायर चाहिए। ये दोनों एक अलग दुनिया में जाते हैं जहाँ वो अपने घर में जाते हैं। जब ये स्टोर रूम में फिशिंग वायर को ढूंढ रहे होते हैं तभी वहाँ पर एलेक्स का भाई आता है जो बहुत ज्यादा परेशान होता है और इनसे माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरी वजह से तुम दोनों मर गए, अब तुम दोनों यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। दरअसल उसको ऐसा लगता है कि ये दोनों एलेक्स और वेनेसा की आत्मा है इस दुनिया में। एलेक्स का भाई गाड़ी चला रहा था और एक्सीडेंट में एलेक्स और वेनेसा भी मर गए, इसीलिए वो अपने आप को उन दोनों की मौत का जिम्मेदार समझता है। एलेक्स और वेनेसा वहां से फिशिंग वायर लेकर जंगल में वापस आ जाते हैं जहां एलेक्स उस फिशिंग वायर को एक पेड़ से बांध देता है और जाने से पहले वेनेसा को कहता है कि अगर तुम मुझको पहचान न पाओ तो एक कोड को हमेशा याद रखना, रूम नंबर 1111 बेड नंबर 8। ये वो रूम और बेड होता है जहां इनका बेटा पैदा हुआ था। एलेक्स के जाने से पहले वेनेसा उससे पूछती है कि तुम यहां पर कैसे फंसे, जिस पर वो बताता है कि एक दिन मैंने अपने भाई के दो रूप देखे, मैंने उसका पीछा किया, वो जंगल की तरफ आया और जब मैं इन दोनों पेड़ों के बीच से गुजरा तो मैं भी एक अलग दुनिया में फंस गया। और फिर एलेक्स वहां से निकल जाता है। पूरी रात वेनेसा वहां पर इंतजार करती रहती है और अगली सुबह वो वायर हिलना शुरू हो जाता है। वो पेड़ के पीछे छुप जाती है और तभी वहां पर एलेक्स आता है। वो एलेक्स से पहेली पूछती है जिसका वो सही जवाब देता है। वेनेसा पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी दुनिया मिल गई? वो कहता है नहीं, लेकिन अब मेरे पास एक तरीका है। हम इस दुनिया को अपना सेंटर पॉइंट बनाएंगे जिसके बाद हम अपनी अपनी दुनिया को ढूंढेंगे और जब हम अपनी दुनिया में पहुंच जाएंगे तो हम इन दोनों पेड़ों को ब्लास्ट कर देंगे जो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं ताकि कोई भी इस तरह से ट्रैवल करके हमारी दुनिया में ना आ सके। एलेक्स यहां से चला जाता है जिसके बाद वेनेसा भी एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। वो अपने घर वापस आती है जहां उसका हस्बैंड एलेक्स शराब के नशे में बैठा होता है जो उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वेनेसा एलेक्स से पूछती है कि तुम्हारे भाई का कौन सा हाथ जख्मी है? वो कहता है राइट हैंड। वो समझ जाती है कि वो अपनी दुनिया में वापस आ चुकी है और ये उसका असली हस्बैंड है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने हस्बैंड को सारी बात बता पाती उसका हस्बैंड उसको बेहोश कर देता है और जब उसको होश आता है तो वो चेयर के साथ बंधी होती है और अब वो अपनी गन निकालता है क्योंकि वो उसको मारना चाहता है। दरअसल कुछ ही देर पहले एक और वेनेसा जंगल से आई थी जो बहुत ज्यादा जख्मी थी जिसके बाद उसकी मौत हो गई और एलेक्स को लगता है कि हो ना हो इसी बेरुपिया लड़की ने उसकी वाइफ को मार दिया है, लेकिन इससे पहले कि वो वेनेसा को मारता वहां पर उसका भाई आता है जो उसको ऐसा करने से रोक देता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और तभी गोली चल जाती है जिससे एलेक्स की मौत हो जाती है। इस बात से उसका भाई बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो वेनेसा को खोल देता है और कहता है कि तुम यहां से चली जाओ, जिसके बाद वेनेसा वापस उस जगह पर आती है जहां से वो एक दूसरी दुनिया में पहुंचती है यानी एक दूसरी दुनिया के जंगल में। वो देखती है कि वहां एलेक्स की डेड बॉडी है जिसके हाथ की वेडिंग रिंग किसी ने निकाल ली है। साथ ही वो एक दूसरी दुनिया में अपने हस्बैंड एलेक्स और उसके भाई को देखती है जो सब के सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब वो उस फिशिंग वायर का पीछा करते हुए उस दुनिया में उस जगह वापस पहुंच जाती है जो इनका सेंटर पॉइंट है। वहां उसको वही एलेक्स मिलता है जिसके साथ मिलकर उसने फिशिंग वायर को बांधा था और अब वो एलेक्स कहता है कि मैंने अपनी दुनिया को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं अपनी दुनिया को ढूंढ नहीं पाया और अब मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं किसी और दुनिया में उस दुनिया के एलेक्स की जगह ले लूं। दरअसल जो डेड बॉडी वेनेसा ने देखी थी उस एलेक्स को इसी एलेक्स ने मारा था और अब वो उस दुनिया में जाकर उसकी जगह लेना चाहता है। वो वेनेसा को समझाता है कि तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा, लेकिन वेनेसा साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं कोई कातिल नहीं हूँ। उसके बाद एलेक्स उससे कहता है कि मैं एक घंटे में इस ब्रिज को हमेशा के लिए ब्लास्ट कर दूंगा ताकि कोई भी किसी और दुनिया में ट्रेवल ना कर सके। और अब वहां से वो उस दुनिया में जाता है जहां उसने एक एलेक्स को मारा होता है। वो उस एलेक्स को उस गेट के बीच में रख देता है जो दो पेड़ों से बंधा हुआ था। साथ ही उसके पास एक टाइम बॉम्ब है। वो बॉम्ब भी वहां पर फिट करके निकल जाता है और एक घंटे के बाद एक ब्लास्ट होता है जिसके बाद ये हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि ब्लास्ट होता एक और वेनेसा वहां पर पहुंच जाती है जिसके पास गन होती है। वो गन उस असली वेनेसा पर तान देती है। हालांकि वेनेसा उसको समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन वो उसकी एक बात समझना नहीं चाहती थी। उसको लगता है कि उसके साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है। इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है जिसकी वजह से गोली चल जाती है और वो वेनेसा जो अभी अभी एक दूसरी दुनिया से यहाँ पर गन लेकर आई थी
उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वैनेसा यहाँ से निकल जाती है और एक दूसरी दुनिया में चली जाती है, जिसके बाद वो अपने घर चली जाती है और सो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खिड़की के सामने खड़ी होती है, जिस तरह वो मूवी की शुरुआत में खड़ी थी। और तभी एक परिंदा खिड़की के ग्लास से टकराता है, जिसके बाद वो बाहर आता है जहाँ पर उसका हस्बैंड भी होता है। वो वैनेसा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर कोई इस दुनिया से जाता है तो इस दुनिया में आता भी है। हालांकि वो अभी भी उस दुनिया में है जहाँ एलेक्स उसको समझाता था कि हमें दुनिया में आगे बढ़ना चाहिए, पिछली बातों को याद नहीं रखना चाहिए। लेकिन वो एलेक्स की बात नहीं सुनती थी और हमेशा परेशान रहती थी। और अब उसको पूरी जर्नी में समझ आ गया है कि दुनिया में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। पुरानी बातों को याद करके हमें अपनी अगली जिंदगी को खराब नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो अपने हस्बैंड एलेक्स को गले से लगा लेती है। उसके बाद वो अपने बेटे के कमरे में आती है और हैरान रह जाती है ये देखकर कि उसका बेटा यहाँ पर जिंदा है। फिर वो समझ जाती है कि अब वो उस यूनिवर्स में पहुँच गई है जहाँ उसके बेटे का कभी एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। लेकिन यहाँ की वैनेसा गायब होती है। दरअसल जिस वैनेसा को हाथापाई में गोली लगी थी, जिसकी मौत हो गई थी, वो इसी यूनिवर्स की वैनेसा थी। यानी कि अब वो वैनेसा यहाँ पर कभी नहीं आएगी और ना ही कोई इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकेगा, क्योंकि एलेक्स ने ब्लास्ट करके उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। जिसके साथ ये कॉम्प्लिकेटेड सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन या सजेशन हैं, तो आप हमसे वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनके ऊपर रिप्लाई कर दूं। लेकिन फिलहाल तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हमेशा की तरह हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और मजेदार कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।